उत्तराखंड में भले ही धार्मिक स्थलों को गाइडलाइन के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई हो, लेकिन नैनीताल जिले में सभी धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे। जिला प्रशासन और अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों की बैठक में ये फैसला लिया गया। 30 जून तक स्वेच्छा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर पूर्व की तरह लोगों के दर्शन को बंद रखे जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने भी उनके इस फैसले की सराहना की। पुलिस व प्रशासन संघ आयोजित बैठक में धर्मगुरु ने ये निर्णय लेकर मिसाल पेश की। देश भर में अनलॉक एक के चलते 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जिले में फिलहाल 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया कि अगर कोरोना से बचना है तो ये सावधानी जरूरी है। बैठक में इस बात की चर्चा होनी थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में किस तरह श्रद्धालुओं की एंट्री होगी, भीड़ की संभावना और संक्रमण से बचाव को लेकर किस तरह काम किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि जिला प्रशासन और धर्म गुरुओं द्वारा लिए गए निर्णय से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जो अनलॉक वन के इसमें परिप्रेक्ष्य में जो ये बैठक थी जिसमें धार्मिक संस्थाओं को खोलते समय उसके संचालन में क्या क्या उसमें SOPs जो हैं उसकी उनको बताने और उनके संचालन के संबंध में बैठक थी। यहाँ पे सभी धार्मिक संस्थाएं यहाँ पे थी, हमारे सभी धर्म के लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे जितने भी इमाम साहब, पंडित के जो पंडित जी लोग आए थे, या हमारे गुरुद्वारा सभा के लोग थे, या हमारे चर्च के लोग थे, सभी लोगों ने एक मत से यह अपने सहमति के आधार पर निर्णय लिया कि सभी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस कोरोना की महामारी के समय सभी लोगों ने पूर्व की तरह ही मंदिर, मस्जिद या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका संचालन करने का निर्णय लिया है। और आगामी 30 जून तक जो नई SOPs है उसके आधार पर नहीं बल्कि पूर्व की भांति जो गाइडलाइंस थी उन्हीं की तरह चलने का उन्होंने सबने संकल्प से लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए केंद्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के जो निर्देश दिए थे अब उनको 8 तारीख से खोला जाना था, लेकिन नैनीताल जिले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको अभी बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जिला प्रशासन की एक बैठक सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 30 जून तक जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिले के वो बंद रहेंगे। तो इस को लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक स्थलों को जो 30 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है वो कितना कारगर है या आने वाले टाइम में वो कारगर रहेगा। जी बताएं। देखिए, जो भी निर्णय लिया गया है 30 तारीख से 30 तारीख तक बंद रखने का, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं इसको कहूँगा, जो कि मैंने अभी जो अखबार में पढ़ा या फिर मैं अपना सोशल मीडिया के थ्रू मेरी जानकारी में आया तो उसमें मुझे पता चला कि ये बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि 30 जून तक हम लोग इसको बंद रखेंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे ही इनिशिएटिव धार्मिक स्थलों के साथ साथ और वर्ग द्वारा भी और सामाजिक जो जरूरत हैं उसके लिए भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि धर्म आस्था जो है हम लोगों की मंदिर वगैरह हर कोई, जैसे चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, सब लोग अपने एक भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है तो हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं मंदिर में दर्शनार्थ। और इतने दिनों से वैसे भी लोग अपने घरों में हैं तो उनको भी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंदिर खुलें। लेकिन क्या होता है कि जब एक काफ़ी संख्या में लोग आते हैं तो चाहे कुछ भी हो तो उसमें वहाँ पर एक हौच पौच की स्थिति जिसको हम कहते हैं उससे कोरोना के संक्रमण का एक जो बढ़ने की एक बढ़ सकता है, तो इसको सोचते हुए एक ये निर्णय लिया गया जो कि बहुत अच्छा मेरी नज़रों में निर्णय है। और आगे भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि देखिए अभी ये निर्णय है कि 30 तक बंद रहेगा तो लोग थोड़ा नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ये खुलने का निर्णय आएगा कि अब ये खुल रहा है तो लोग एक तादाद में आएंगे, तो इसलिए उनको रोकना, क्योंकि भाव होता है और जहाँ भाव होता है वहाँ पर रोकने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, प्रशासन को भी दिक्कत आएगी और भी जगह पे दिक्कत आएगी। तो आगे भी जैसे कि बोला गया कि भाई 5 की संख्या में आए, 10 की संख्या में आए तो ऐसा थोड़ा टफ हो पाता है, लेकिन अगर मंदिर या गुरुद्वारे जो भी व्यवस्थाएँ हैं उनको अगर व्यवस्था दी जाएगी कि अब भाई इस तरीके से आप एंट्री करो तो आने वाले समय में ऐसा किया जा सकता है। वर्तमान में जो एक निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख तक बंद रहेगा, मेरी नज़रों में बहुत अच्छा निर्णय है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ। तो सौरभ भट्ट जी ने सबको साधुवाद दिया है इसमें कि 30 जून तक जो मंदिर अभी धार्मिक स्थल जो भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हमारे साथ मनीष जी भी हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे वो किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो प्रकार से अभी तक कोविड के लिए रणनीतियां बनाई हैं वो सराहनीय हैं और जनहित में हैं, और धर्मस्थलों को लेकर उन्होंने अपनी सहमति दी थी, उसकी कुछ दिशा निर्देश और गाइडलाइनें दी गई हैं। लेकिन अगर सभी धर्मगुरुओं के यही लोकल की परिस्थितियों को देखते हुए इच्छा है तो मैं इसका स्वागत करूँगा, ये सराहनीय कदम है। और इस समय में पूरे विश्व में महामारी है और हमारे देश की परिस्थितियों में, हमारे धार्मिक विभिन्नताओं में, अनेक धार्मिक स्थलों की आस्था को सब लोग आम सहमति से सहयोग कर रहे हैं सरकार को, ये एक बहुत बड़ा जन सहयोग है और मोदी जी के नेतृत्व में ये एक अच्छा अभियान चल रहा है। मुझे लगता है जनहित में सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सराहनीय। तो ये थी लोगों की राय, और सभी का ये मानना है कि जो धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने का अभी निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा, या जो धर्म गुरुओं से जो चर्चा होने के बाद जो निर्णय लिया गया है उसको सही मानते हैं लोग। और उनका ये कहना है कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से चल रहा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये है लोगों की तरफ से और धर्म गुरुओं की तरफ से। तो सभी से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना के इस संक्रमण काल में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता कि लोग खुद आगे आकर इस तरह का निर्णय लें और देश और दुनिया में एक इस तरह का जो संदेश है वो देने की कोशिश करें जिससे लोग सुरक्षित रहें और देश के प्रति जो उनका जो कर्तव्य है उसे वो निभाने की कोशिश करें। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।